रोते का लगा दे दीपेंद्री बन। बीजेपी का ही माहौल होना चाहिए, कांग्रेस के बारे में हम तो बात ही नहीं करना चाहते। क्या कुछ माहौल है कांग्रेस सरकार साफ बीजेपी। चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, इसे को लेकर लोगों ने भी अपना मूड बना लिया है। लोगों का मूड क्या है आज हम वो जानने आए हैं। कोसली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है गुगोड़, जानेंगे लोगों से क्या है उनका मूड, क्या सोच है उनकी चुनाव को लेकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा सोनू नाम है सर। क्या कुछ चुनावी माहौल है इस बार आपके यहाँ गाँव में? हमारा माहौल बढ़िया है, बीजेपी सरकार की, बीजेपी सरकार आनी है जो यहाँ पर सांसद रहे दीपेंद्र हुड्डा, उनके काम के बारे में क्या ख्याल है? उसका बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में नहीं, हम तो बीजेपी के बारे में। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ कुछ काम करा है 5 साल में? हमने तो कुछ काम इतना खास लागू बोलने का, वो तो बेटी हर महीने आवे तो हर महीने आते हर महीने चक्कर मारे सर, वो बनेगा वो ही बनेगा रोते का लगाते दीपेंद्र ही बनेगा। ऐसा क्या कारण है कि जितने आप मतलब पक्के हो गए गुजरात तो वही बनेगा? इनू से अग जैसे मिलन गयो ना उनके कोई पाबंदी को ने। अच्छा मतलब अच्छे आदमी है। हाँ। तो वैसे जो नेता होते हैं लेकिन लोगों से आम जनता से मिलते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मतलब दीपेंद्र में ना? दीपेंद्र ने कोई मिल लो थी तो इस बार आपको लगता है कि आपके गाँव से लोग दीपेंद्र को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? रड़ी मिली वोट पड़ेंगे। आपकी वोट किसको जाने वाली है? हम तो देंगे दीपेंद्र की। दीपेंद्र की दोगे? हाँ। दीपेंद्र के मतलब? हाँ। चाय वाले भैया यहाँ पे चाय बन रही है लेकिन पूछते हैं यहाँ पर चाय तो बन रही है लेकिन सरकार किसकी बनेगी इस बार यहाँ पे, क्या लगता है यहाँ पे कौन आएगा? मोदी की बनेगी मैडम। मोदी की बनेगी। और बात की जाए अगर रोहतक की तो रोहतक में किसके चांस लग रहे हैं? मैं रोहतक में तो अरविंद शर्मा ही की ज्यादा उम्मीद है। चाय वाले हो इसलिए मोदी का फेवर ले रहे हो क्या? ना ना चाय वाले जो काम अच्छे करते हैं उसका ही फेवर हो, उसका ही फेवर हो। ये भी बता रहे हैं चाय वाले की बात कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो काम अच्छे करते हैं उनका फेवर ज्यादा ले रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की काम कैसे रहे हैं? उसका भी काम तो उसने भी अच्छे किए थे पर उसका थोड़ा सा रुझान कम है। रुझान क्यों कम हो गया जब काम अच्छे थे? मैडम उसके एक से तो क्या हो, कांग्रेस के तो ऊपर थे तो खराब थे उस कारण उसका भी थोड़ा। दीपेंद्र हुड्डा ने काम करवाए कोई? हाँ काम तो गांव में करवाए थे उसने। क्या कुछ काम करवाया? भाई गांव में गलियां उलियां सारे ये काम करवाए। आपके गांव में यहाँ पे गुगोड़ में क्या कुछ बदलाव हुआ? बदलाव तो पहले ये गली गुड़ी जो कि ये करवाए थे और भी कई काम करवाए होंगे कर तो ये काम करवाए उसने, ठीक काम करवाया था पर ऊपर की तो उसकी वो नहीं है ना ज्यादा। युवा जो देश का भविष्य है उनसे भी जानते हैं उनकी क्या राय है। चुनावी माहौल क्या है इस बार गांव में? बीजेपी का ही माहौल होना चाहिए, कांग्रेस के बारे में हम तो बात ही नहीं करना चाहते। अगर मैं आपसे बात करूं तो करोगे नहीं बात कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस ने तो उसका तो कांग्रेस के कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बोलना नहीं आता अभी तक, वो क्या देश का चलाएंगे? ऐसा कौन सा कैंडिडेट आपको लगा? यहाँ तो हमारे पास तो सभी कैंडिडेट ऐसे ही हैं जिनको बोलना। दीपेंद्र हुड्डा है यहाँ से सांसद है कांग्रेस में है, उनकी बात अगर करूँ तो उनकी छवि कैसी है? पहले काम किया था, अब काम की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। तो जब कांग्रेस शासन था तब काम किया था? कुछ पहले सरकार बनाने के लिए काम किया था, अभी तो बनने के बाद भी उन्होंने काफी साल निकाल दिए, कोई काम नहीं हुआ उसके बाद। कोई काम नहीं हुआ नहीं। तो अरविंद शर्मा के चांस लगते हैं रोहतक से? चांस तो होने तो चाहिए, होने चाहिए जी। आपको लगता है कि लोग उन्हें पसंद करेंगे? क्या वो दीपेंद्र हुड्डा को टक्कर दे पाएंगे? कोशिश तो पूरी कर रहे हैं वो। आपको लगता है क्या? लगता है मुझे तो लगता है। दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ काम करवाया, क्या कुछ बदलाव किया कराया रोहतक के जो गांव है कोसली विधानसभा क्षेत्र के? कोसली में तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, रोहतक में ही कर रहे हैं बस वो। कोसली के अंतर्गत उनका कोई काम? रेवाड़ी में कोई काम नहीं है उसका। अच्छा जो बात की जाती है दीपेंद्र की साफ छवि की, उनके नर्म दिल की बात की जाती है, तो क्या सही में दीपेंद्र इतने अच्छे स्वभाव के हैं? स्वभाव उनका अच्छा है लेकिन उनका काम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं, मतलब काम नहीं है, स्वभाव से अच्छे हैं। कि चुनावी माहौल क्या है उनके मुताबिक, यहाँ पर किसकी सरकार इस बार आने वाली है, क्या कुछ माहौल है गांव में चुनाव का? सरकार साहब बीजेपी की, बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ जी। गांव में क्या माहौल है चुनाव का? बीजेपी का माहौल है, बीजेपी का माहौल है। दीपेंद्र हुड्डा सांसद रहे 5 साल, काम क्या कुछ काम उनके रहे? दीपेंद्र हुड्डा साहब पक्षपात किया दुनिया भर का। पक्षपात क्यों? पक्षपात मतलब किस कारण से? भर्ती में भी, हर चीज में भी, जहाँ भी रोजगारी में, हर जगह पक्षपात हुआ है, हर जगह पक्षपात हुआ है। तो उसके जो काम थे मतलब आप उससे नाखुश हो? नाखुश हो। अरविंद शर्मा टक्कर दे पाएंगे दीपेंद्र हुड्डा को? हाँ जी बिल्कुल दे पाएंगे। लगता है अरविंद शर्मा से कुछ उम्मीदें हैं कि इस बार अगर वो आए तो पक्षपात? हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा जी, नहीं उम्मीद है।
बीजेपी सरकार से खुश हो या फिर कांग्रेस से? बीजेपी से सर। बीजेपी से या फिर कैंडिडेट से? नहीं, कैंडिडेट से भी और प्रधानमंत्री जी से। क्या लगता है इस बार गांव में या फिर जनता कैंडिडेट को देखकर वोट करेगी या फिर मोदी को? देखो जी, मोदी को भी देख के वोट करेगी और काम को भी देख के वोट करेगी। जो आधी आबादी है महिलाएं देश की, उनसे जानते हैं कि यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर उनकी क्या राय है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या बोलता है? कहते हम वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमारी कोसली में भारी बाकली सारी ले ली। अच्छा, इसलिए हम वोट नहीं देंगे। कोसली में कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोसली में काम नहीं, कोसली जो बाजार है कि नहीं, सारी भाकली की सीम में है और नाम कोसली का है। अच्छा, ये भी जो चीज कोई चीज बन रही है तो कोसली का नाम तो बन रही है, हमारा नाम तो भाकली का तो कोई चीज नहीं बन रही, तो हमारा भाकली गांव 9% है कि वोट हम नहीं गिरेंगे। इस बार वोट नोटा को जाएगी? नहीं, किसी को वोट नहीं दोगे? नहीं। आपका क्या नाम है? नाम तो मेरा तो ये सब पूछो मेरे। हाँ बताओ, वोट दोगे क्या? अभी मैं तो क्या बताऊँ, मेरा घर परिवार, ये तो परिवार देखो। अच्छा, जिसको परिवार देगा दीपेंद्र हुड्डा को देगा वोट इस बार? पता ना मेरे को किसका दे अभी, तो मैं तो क्या बता सकता। घर परिवार में क्या बात चल रही है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? तभी वो देगा तो उसकी देगा। देखो अच्छा ही बताओ, महिलाएं भी वोट देती हैं, उनको भी कुछ ना कुछ फायदा होता है। फायदा वो कुर्बो जाएगा, वही का पीछे तो जाएगी महिला। अच्छा, महिला के बिना आदमी बिना किस चली जाएगी? नहीं, खुद की भी तो कुछ राय होती है ना। खुद की राय नहीं होती है, खुद की राय नहीं होती। आपको नहीं लगता है ऐसा? नहीं, पूरा परिवार दे उधर ही तो देंगे, ऐसे क्या? अच्छा, परिवार किधर देगा? उधर परिवार कहेगा बीजेपी को दो तो बीजेपी को दोगे? देखो जाके देखो, वही को देगा भाई। चलिए ठीक है। एक ने कहा कि इनके जो गांव में से भाकली गांव में से इस बार नोटा का बटन दबने वाला है, क्योंकि वहां के जो गांव है वहां का कोई विकास नहीं है। तो दूसरे ने कहा कि अभी जहां परिवार जाएगा, जहां कुनबा जाएगा, उसी तरफ हम चलेंगे। क्या नाम है अभी आपको? दिनेश कुमार। इस गांव में माहौल क्या है चुनाव को लेकर? अच्छा माहौल है, बीजेपी की ओर, बीजेपी की तरफ है। क्या बात है, बीजेपी के नाम से खुश हो गए? और अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में क्या ख्याल है आपके? 5 साल उन्होंने यहाँ पर सांसद रहे, वो काम हुआ कि नहीं, बदलाव हुआ कि नहीं? नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ, इतना कुछ बदलाव नहीं हुआ। अरविंद शर्मा से उम्मीद है कि अरविंद शर्मा कुछ बदलाव करेंगे? वो तो देखे आगे पता लगेगा। अगर तो इस बार कैसे फिर बीजेपी को एक मौका दोगे? बीजेपी ने सारे अच्छे काम किए हैं अभी। रोहतक की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट को वोट देकर वोट करोगे फिर मोदी को देखकर? रोहतक में तो फिर कैंडिडेट को देखकर। कौन सा कैंडिडेट है जो लगता है कि रोहतक का विकास करा सकता है? रोहतक में तो जो पीछे सरकार थी उसने खूब विकास करवाया था, दीपेंद्र हुड्डा ने। हाँ। तो इस बार भी दीपेंद्र हुड्डा को मौका दोगे रोहतक से? हाँ बिल्कुल। दीपेंद्र हुड्डा ने मतलब बदलाव कराया, विकास कराया? हाँ, रोहतक में करवाया, यहाँ कराया, कोसली में नहीं कराया। तो इस बार कोसली में क्या लगता है कौन आएगा ऐसा चेहरा जो कोसली विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी तो, लेकिन पूरे में तो एक ही आएगी ना, सांसद किसे बनाना चाहते हो इस बार? दीपेंद्र हुड्डा की जो साफ छवि के बारे में लोग बात करते हैं कि सही में वो इतने अच्छे हैं? वो तो नहीं पता किसी का। कभी गांव में आए वो? नहीं आए। कभी यहाँ पे दौरा नहीं किया? नहीं। चलिए ठीक है, इस बार एक और मौका देना चाहते हैं बीजेपी को कि कोसली विधानसभा क्षेत्र का इन्हें लगता है विकास बीजेपी के हाथों इस बार होगा। यहां जो गुगोट गांव में हमने लोगों से जाना, क्या कुछ उनकी राय थी, क्या कुछ वो सोचते हैं चुनाव को लेकर, क्या उनका मूड है इस बार चुनाव में, ये आपने देख लिया। आपका क्या मूड है जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। मैं दीपा राणा, आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।